सिटेक ग्रुप नया जनरल एआई डेवलपमेंट फर्म लिवेहर्ट्स के अधिग्रहण की घोषणा की। यह अधिग्रहण हेक्टर ग्रुप की रणनीतिक योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जनरल एआई समाधानों की अग्रणी बनना है। इस अधिग्रहण के तहत हेक्टर ग्रुप एआई एक्सपीएलएआर और जेट ब्रेन एआई प्लेटफॉर्म को एक संयुक्त रूप में संयोजित करेगा, जिससे एक व्यापक जनरल एआई कार्यप्रणाली विकसित करने की उम्मीद है। एआई एक्सपीएलआर हेक्टर ग्रुप का नवीनतम जनरल एआई प्लेटफॉर्म है। अपने अनूठे सिमुलेशन क्षमताओं के साथ एआई समाधान प्राप्त करता है। जेट ब्रेन के साथ इसे एकीकरण से एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनने की उम्मीद है जो न केवल कार्य क्षमता को बढ़ाएगा बल्कि आरओआई और ग्राहक अनुभव को भी बेहतर करेगा। आपको बता दें, हेक्टर ग्रुप के अध्यक्ष और सीईओ टीआईए ने कहा कि हम लिवेहर्ट्स के टीम का हेक्टर ग्रुप परिवार में स्वागत करते हैं। यह अधिग्रहण हमारी एआई क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा और हमारे एआई एक्सपीएलआर प्लेटफॉर्म को विशेष रूप से अलग और विस्तृत करेगा। इस अधिग्रहण के तहत हेक्टर ग्रुप और लिवेहर्ट्स का संयुक्त उद्यम बन रहा है, जिसमें दोनों प्लेटफॉर्म का एकीकरण होगा। यह नई कंपनी अपने ग्राहकों को उन्नत और अनुकूलता जनरल एआई समाधान प्राप्त करने के लिए तैयार कर रहा है। हेक्टर ग्रुप का यह कदम न केवल एआई क्षेत्र में उसकी स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि ग्राहकों को बेहतर अनुभव और नवाचार का अवसर भी प्रदान करेगा। एआई एक्सपीएलआर और जेट ब्रेन के एकीकरण से यह संगठन एक नई तकनीकी दिशा की ओर अग्रसर है। मेरा नाम आकाश टकियार है, मैं लिवेहर्ट्स टेक्नोलॉजी का फाउंडर और सीईओ हूं। तो आज जो ये एक्विजिशन हमने अनाउंस करी है, ये हैकेट ग्रुप ने लिवेहर्ट्स को एक्वायर करा है और उनका मेन मकसद ये है कि वो अब अपने क्लाइंट्स को और अपने कस्टमर्स के साथ हमारे साथ मिलके पूरी एआई की जो साइकिल है, पूरी जर्नी जो है, एक आइडिया को सोचने से लेके उसको इम्प्लीमेंट करने तक उस पूरी जर्नी को हम पूरा कंप्लीट कर सके। तो हम लोग उनके साथ मिलके कस्टमर के साथ काम करते हैं, जहाँ पे हम पहले उन्हें कंसल्टिंग देते हैं, फिर हम उनके लिए डिज़ाइन करते हैं, फिर हम उनके लिए डिप्लॉय और इम्प्लीमेंट करते हैं जो हमें जो भी यूज़ केस होता है। मुझे लगता है कि बेनिफिट तो इंडिया में जिस तरीके से हम इतना टैलेंट ट्रेन कर रहे हैं एआई पे और हम लोग इतनी हायरिंग करना चाहते हैं और साथ में नए डेवलपर्स, इंजीनियर्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, मशीन लर्निंग डेवलपर इस स्केल पे ताकि ऑर्गेनाइजेशंस में लग सकें, मुझे लगता है हम लोगों को बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, ताकि हम काफ़ी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पाएंगे। साथ में हम यहाँ से तरक्की देखते हैं, ना सिर्फ इंडिया की बट ओवरऑल वर्ल्ड वाइड। देखिए, जो फ्रॉड है वो कई सालों से हमेशा से ही किसी ना किसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके होते आ रहे हैं, लेकिन जो उसके अगेंस्ट जो हम लोग काम करते हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेशन बनाती है, गवर्नमेंट या हम लोग जितना भी इसके लिए उसके अगेंस्ट काम करते हैं, वो भी बहुत ही तरक्की से हो रहा है और उसके ऊपर भी बहुत ही इन्वेस्टमेंट और थॉट प्रोसेस दिया जा रहा है कि हम कैसे उन फ्रॉड्स और इन एस्पेक्ट को रोका जाए। आई थिंक कि हम लोग जैसे जैसे मैच्योरिटी आ रही है एआई में, रेगुलेशन में, पॉलिसीज में, एडॉप्शन में, लोगों के समझने में, इन सारी चीज़ों से ये सब चीज़ें अभी एकदम कम होने वाली। थैंक यू वेरी मच, आपने क्वेश्चन पूछा। मैं कॉलेज में जब था तो सोचा कि यू नो, खुद अपना ही कुछ करना है, क्योंकि थोड़ा उस समय जॉब मार्केट भी इतनी अच्छी नहीं थी, अगर आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे नहीं हैं तो मैंने वो उस समय पूरी यू नो, अपने फादर के साथ लग के मेहनत करी और मुझे काफ़ी अच्छे मेंटर्स मिले और उन्होंने मुझे हेल्प करी कि हमें कैसे एक अच्छी गुड यू नो, एंटरप्राइज स्केल पे इंडिया में रह के भी हम ये काम कर सकते हैं। तो मुझे बहुत ही लाइक प्राउड है कि मेरी टीम है, मेरे लोग हैं, मेरे मेंटर्स हैं, मेरी फैमिली है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा है इस पूरे प्रोसेस में और यहाँ तक पहुँचने के लिए। और यहाँ से आगे सिर्फ इंडिया और जो एआई अडॉप्शन है वो सिर्फ तरक्की की राह पे रही है। हर जगह, हर प्रोसेस, हर जगह पे हम एआई अप्लाई कर रहे हैं। आप देखेंगे एआई हमारे मैसेंजर से लेके ईमेल तक, कंप्यूटर तक, फ़ोन तक, घर के टीवी तक पहुंचता जा रहा है। तो वो अडॉप्शन यहाँ से सिर्फ ग्रोथ ही होगी। आज से कुछ साल बाद अगर हम मिलेंगे, मुझे लगता है यहाँ से सिर्फ आप तरक्की और इंडिया की तरक्की और इसी को देखेंगे। हैकेट और लिवेहर्ट्स मिलके हम लोग क्योंकि एक कंबाइंड पूरी एंड टू एंड साइकिल ला पाए, तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो या तो एक पार्ट पे काम करती हैं कि वो सिर्फ कंसल्टिंग देते हैं या फिर वो इम्प्लीमेंट करते हैं।
हैकेट और लीवेहर्ट्स की एक्विजिशन की वजह से हम पूरा एंड टू एंड जर्नी समझ सकते हैं, किसी एआई को सोचने से लेके उसको लगाने तक, फिर उसे मेजर करने तक। तो वो मेरे को लगता है बहुत बड़ी कैपेबिलिटी।